कोई माफी मांगकर बार बार भी वीर हो गया, और जो सलवार पहनकर भागा हो वो देश का सबसे बड़ा अमीर हो गया। जो हुआ करते थे कभी तली पार वो देश के वजीर हो गए, और जो लाखों रुपए का सूट पहनकर भी कोई देश का फकीर हो गया। पाखंडी लोग हैं ये, राम को नहीं लाए बल्कि राम जी इनको लेकर आए हैं। ये राम जी का नाम सत्ता में इस्तेमाल कर सरकार में आए हैं। राम जी सत्ता के लोभी नहीं थे, अगर वो सत्ता के लोभी होते तो राजपाट छोड़कर वनवास न चले जाते। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है, रामलला गर्भगृह में विराजमान भी हो चुके हैं, ऐसे में तैयारियां तेज हैं लेकिन सियासत भी तेज है। चर्चा कर लेते हैं हमारे साथ कि आखिर राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जनता क्या सोच रही है, और न्याय की बात की जा रही है तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि राम राज्य बन गया, अब सबको न्याय मिलेगा। बात करते हैं सर, क्या नाम है आपका? फिरोज। राम राज्य तैयार हो रहा है, देखिए तमाम लोग कह रहे हैं कि अब राम राज्य बन चुका है और अब सबको इंसाफ मिलेगा। मैडम, राम राज्य का मतलब क्या होता है? राम राज्य में खुशहाली होती है, राम राज्य में हर व्यक्ति खुश होता है, ना वहाँ भेदभाव होता है, ना लोगों से ऊंच नीच होती है, ना जातिगत शोषण होता है, ना लोगों की आवाज़ को दबाया जाता है। तो राम राज नहीं है मैडम, ये कुछ लोग अपने फायदे के लिए राम राज कर रहे हैं। राम राज अगर होता तो आज इस तरीके से एक बेटी और यहाँ हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर नहीं होते, पुलिस की लाठियाँ खाने तैयार नहीं होते, जेल जाने तैयार नहीं होते। तो ये रामराज नहीं है। रामराज तब होगा जब देश में हर व्यक्ति खुशहाल होगा, देश में मोहब्बत होगी, देश में भाईचारा होगा, और देश के लोग हर चीज तरीके से अपने आप को सुरक्षित समझेंगे, ना जात पात का भेदभाव होगा, ना किसी चीज का भेदभाव होगा, वो होता है असल रामराज। लेकिन देखिए भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारियां वो तेज हो चुके हैं, महज 2 से 3 दिन का वक्त बचा है। देखिए मैडम, हो रहा है, अच्छी बात है, भव्य तैयारियां हो रही हैं। अब एक बात बताइए, राजनीतिक लोग उसका आरंभ कर रहे हैं और जो शंकराचार्य हैं उनको दूर रखा जा रहा है। एक तरफ बीजेपी के लोग ये एजेंडा चला रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी आना नहीं चाहती। चलो वो नहीं आना चाहते तो आडवाणी जी और मनोहर जोशी जी तो आना चाहते हैं, जो मंदिर के जननायक थे, उनको इनविटेशन क्यों नहीं दे रहे, उनको क्यों नहीं बुला रहे? तो देखिए, जो ये राम मंदिर का जो एक तरीके से इनविटेशन बांट रहे हैं, किसी के बाप की जागीर नहीं है वो। राम मंदिर किसी के बाप का नहीं है, हर देशवासी का है। एक संविधान में आर्टिकल 25 है जो हमें ये इजाज़त देता है, हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने का, प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है। तो क्या अगर मुझे इनविटेशन नहीं मिलेगा या आपको इनविटेशन नहीं मिलेगा तो क्या हम राम मंदिर के दर्शन करने नहीं जा पाएंगे? तो ये एजेंडा चला रहे हैं, ये पाखंड फैला रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और देखिए, जो संवैधानिक पद पर बैठे होते हैं, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उनका धार्मिक मसलों को इस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर और धार्मिक मसलों में पढ़कर उनको उठाना, उनके नाम पर राजनीति करना, ये संविधान के खिलाफ है और ये लोग संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए तमाम बाबा और जो राम मंदिर को लेकर उत्साहित है वो कह रहे हैं कि जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं वो मूर्ख हैं, वो हिंदू ही नहीं है, हिंदू विरोधी है। देखिए मैडम, एक ऐसी चीज़ है देश में, आज की डेट में 2 तरीके के हिंदू हैं। एक हिंदू वो है जो भाजपा की गलत नीति का, गलत विचारधारा का और गलत कामों का समर्थन करता है, उनकी हर चीज़ में देशभक्ति दिखती है। और एक तरफ वो हिंदू है जो गलत का विरोध करते हैं, जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। तो 2 तरह के हिंदू हैं, एक भाजपा का हिंदू और एक जो असल में हिंदू है। देखिए हिंदू धर्म, ये आप कहते हैं कि सनातन धर्म, मतलब सनातन का मायना क्या होता है? सनातन का मतलब होता है सत्य, अहिंसा से दूर, प्रेम भाव, आपसी भाईचारा बना रहे, एक दूसरे की मदद करना, क्रोधित ना होना। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर सनातन को मानने वाले हैं तो सनातन के तरीके से काम करें, किसी का मन नहीं दुखी हो। और लोगों को जो आज ये रामराज आप कह रहे हो, परसों रामराज स्थापित होने जा रहा है, तो ये सबसे पहले तस्वीर आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखाइए। अगर ऐसा रामराज है, ऐसा रामराज आ रहा है, तो हमें ऐसा रामराज नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ रामराज आए, देश में सुरक्षा हो, देश में हर व्यक्ति खुशहाल हो, ऐसा रामराज नहीं चाहिए जो हम अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर आए, एक बेटी सड़कों पर आए, एक बहन सड़कों पर आए। तो ऐसा रामराज हमें नहीं चाहिए, हमें वो रामराज चाहिए जो असल में रामराज हो। लेकिन बीजेपी के जो तमाम नेता हैं सर, वो कह रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टी, विपक्षी दल जो विरोध कर रहे हैं वो हिंदू विरोधी हैं, दरअसल वो सनातन के विरोध में हैं। देखिए मैं ये नहीं कि राम मंदिर बने। देखिए मैडम, मंदिर का जो विषय है, मंदिर ना बीजेपी ने बनवाया ना किसी पार्टी ने बनवाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं जो शायद लोगों को ना पता हो। अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि मंदिर बीजेपी ने बनवाया तो बहुत गहरी बात है। अगर मंदिर बीजेपी ने बनवाया है तो 1999 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री रहे थे और भाजपा की पूर्ण मेजोरिटी से सरकार थी। तो बीजेपी अगर मंदिर बनवाती तो उस वक्त बन सकता था।
तो मंदिर का जो फैसला है वो हमारे उच्चतम न्यायालय का है, सुप्रीम कोर्ट का है, संविधान के रास्ते से मंदिर बना है, तो मंदिर का हम स्वागत करते हैं। और देश का जो एक मसला बहुत विचारधीन था, जिस पर काफ़ी समय से लड़ाई चल रही थी, लोगों में मन मुटाव था, तो मंदिर बना है, बहुत खुशी का विषय है, हमें भी खुशी है, पूरे देश में उत्साह का माहौल है। लेकिन मंदिर का जो विषय है वो हमारे शंकराचार्य हैं, हमारे धर्म वो भी नहीं जा रहे, वो भी कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, अधूरा राम मंदिर है। देखिए मैडम, वही तो चीज़ है ना, देखो ऐसा है, जब भाजपा सरकार पूरे तरीके से फेल हो गई, अब चुनाव में उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, तो उन्होंने सोचा सारे मुद्दों से भटकाकर जनता इनसे रोजगार के बारे में ना पूछे, शिक्षा के बारे में ना पूछे, डेवलपमेंट के बारे में ना पूछे, इन सब के बारे में ना पूछने की वजह से जो शंकराचार्य कह रहे हैं कि अधूरा मंदिर है, उसी के विषय पर, उसी चीज़ों को टालने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। मंदिर का उद्घाटन करने का काम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, एमपी, एमएलए का नहीं है, प्रधान मंदिर का उद्घाटन करने का काम देश के हमारे धर्म गुरुओं का है, हमारे साधु संतों का है और शंकराचार्य का है। तो मंदिर और मस्जिद से राजनेताओं का कोई मतलब नहीं होना चाहिए मैडम। देखिए अब दूसरी चीज ये आती है, कहते हैं कोई माफी मांगकर भी, कोई बार बार माफी मांगकर भी वीर हो गया, कोई सलवार पहनकर भागा हो, कोई माफी मांगकर बार बार भी वीर हो गया, और जो सलवार पहनकर भागा हो वो देश का सबसे बड़ा अमीर हो गया, जो हुआ करते थे कभी तली पार वो देश के वजीर हो गए, और जो लाखों रुपए का सूट पहनकर भी कोई देश का फकीर हो गया। तो मैडम ये देश को देखना होगा कि देश किस दिशा में जा रहा है। हम देश को इस तरीके से टूटने नहीं देंगे, इस तरीके से मिटने नहीं देंगे। देश को धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं और जातिवाद के नाम पर फैला रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा, अगर राम मंदिर की जो बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, क्या राम मंदिर में किसी को, ओबीसी को या दलित समाज के व्यक्ति को ये मंदिर का उद्घाटन कराएंगे? क्या दलित समाज के व्यक्ति से मंदिर का उद्घाटन कराएंगे? देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आती हैं, द्रौपदी मुर्मू, क्या उनसे उद्घाटन कराएंगे? देखिए मैडम, मैं धर्म के मसले में बात नहीं करता, लेकिन जब बात आती है मंदिर और मस्जिद की, एक बात बताइए, क्या राम मंदिर में जो 10-12 महंत शंकराचार्य होंगे, जो पुजारी होंगे, जो महंत होंगे, क्या उनमें से किसी दलित को हिस्सेदारी दी जाएगी? क्या हिस्सेदारी दी जाएगी? क्या दलित सिर्फ चुनाव के वक्त इनको हिंदू नजर आता है? अब मंदिर के विषय की बात आई है तो क्या किसी दलित को पुजारी मंदिर का स्वीकार करेंगे? किसी पिछड़े जाति के मंदिर का पुजारी स्वीकार करेंगे? एक बात बताइए, ये बहुत बड़ा विषय है, देश को गुमराह कर दिया है, देश को बर्बाद कर दिया। और सुनिए, हमने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या नेता हम अपने विकास कार्यों के लिए चुनते हैं, हम जनहित के मुद्दों के लिए चुनते हैं, हम मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए नहीं चुनते। ये देश की जनता को सोचना होगा, ऐसे पाखंडवादी, ऐसी ढोंगी और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों से हमें बचना होगा, हमें देश की अखंडता और एकता को बनाए रखना होगा। जिस तरीके से ये लोग देश में धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, मैं पूरे देश के सभी आपके चैनल के माध्यम से लोगों से एक अपील करता हूँ कि जो भी नेता धर्म के नाम पर आपको वोट लेने आए तो उसको जूता उठाकर मारिए। धर्म के नाम पर अगर कोई कहता है कि मुझे वोट दीजिए तो उसके जूते चार मारिए। ये देश को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं और हम देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम संघर्ष के आदी हैं, हम अंबेडकरवादी हैं, हम अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान से बाहर कोई काम नहीं करेंगे। जिस तरीके से जो आज हमारी बहन डॉक्टर रितु, एक बेटी है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, एक तरफ बीजेपी ने कहा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्या ऐसे बेटी बचेगी, ऐसे बेटी पढ़ेगी? जो बेटी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को पढ़ाती थी, उसको आज इस तरीके से, आज अपनी मांगों को, अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, न्याय के लिए आज किस तरीके से पूरे देश के सामने वो रोई है और उसको अपील करनी पड़ी है, भावुक होकर लोगों को आना पड़ा है। इस तरह प्रोटेस्ट चल रहा है, जन समर्थन यहाँ मिल रहा है, लेकिन सवाल यही आ जाता है घूम फिर के सर जी, कि जब तमाम मुद्दे इतने सारे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, न्याय की बात आप लोग कर रहे हैं, तो क्या देश में सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा बच गया, जिसको लेकर पीएम मोदी देखिए व्रत रख रहे हैं, सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं, जमीन पर सो रहे हैं और बाकी मुद्दे नहीं बचे? और अगर राजनीति है तो क्या राजनीति सिर्फ राम मंदिर पर ही हो? देखिए मैडम, मैंने क्या कहा, जब कोई विषय नहीं बचा, हर तरीके से सरकार फेल हो गई, तो एक ही सबसे बड़ा लॉजिक है कि राम मंदिर।
राम मंदिर हमने बनवा दिया। ये कहते हैं कि हमने वादा किया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे जहां राम का जन्म हुआ था। ठीक है, मंदिर बना दिया, अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से बना है, बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान से बना है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। चलो मंदिर बना दिया, इन्होंने कुछ और भी वादे किए थे कि भाइयों और बहनों प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियाँ मिलेंगी। 9.5 साल हो गए, 19 करोड़ नौकरियाँ कहाँ हैं? प्रत्येक व्यक्ति को जिसका कच्चा मकान है उसको पक्का मकान देंगे, कहाँ है? अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, 15-15 लाख आएंगे, वो भूल गए या याद है? उनकी जब प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी 2014 में प्रचार कर रहे, उनकी जेब में एक पर्ची हुई करती थी जिसमें 100 लोगों के नाम थे, वो पर्ची क्या उनके सूट में धुल गई। तो मैडम सोचने का विषय है, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम इनके खिलाफ सड़क से सदन तक लड़ाई जारी रखेंगे क्योंकि संघर्ष के हम आदी हैं और हम अम्बेडकरवादी हैं। तो क्या लगता है कि मुद्दे हीन हो चुकी है सरकार, इसीलिए राम मंदिर पर जमकर सियासत देखने को मिले, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो? देखिए राम मंदिर, वही बात आ गई ना मैडम, जब मैंने क्या कहा, इनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है, तो ये धर्म के नाम पर उलझाएंगे लोगों को, धर्म के नाम पर लड़ा देंगे। चलो मैं मानता हूँ राम मंदिर बन गया, अब ये क्या लड़ाई लड़ेंगे? अब जातिवाद की लड़ाई करेंगे? यहाँ जो आप देख रहे हो जो लड़ाई हो रही है, ये किस बिना पर है? आज जो हम सड़कों पर हैं ये सिर्फ जातिवाद के ही खिलाफ है ना। एक दलित प्रोफेसर इतना अच्छा पढ़ती है, इतना अच्छा बोलती है, इनकी आंखों में आंखें मिलाकर बात करती है, बाबा साहब के संविधान को बताती है, लोगों को समझाती है, उसको इसको निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? इन लोगों को तकलीफ हमारे दलित या मुस्लिम होने से नहीं है, इन्हें तकलीफ हमारे अम्बेडकरवादी होने से है। हम अगर संविधान के बारे में पढ़ेंगे तो इनकी गलत नीतियों का विरोध करेंगे, हम संविधान को जानेंगे, संविधान के रास्ते पर चलेंगे तो इनसे सवाल पूछेंगे। ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं जनता अनपढ़ रहे, जाहिल रहे, जो धर्म के नाम पर लड़ती रहे। सवाल आपसे लेती हूँ सर, एक तरफ तो आप लोगों का संघर्ष सड़क पर जारी है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो यम नियमों का कठोर पालन पीएम मोदी कर रहे हैं, जमीन पर सो रहे हैं आजकल वो, और देखिए सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं, अन्न को छू भी नहीं रहे, इसको क्या कहेंगे? क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होनी है। देखिए मैडम, वो कहते हैं ना कि 100 दिन अगर मलाई खा ली हमने और अगर 2-4 दिन अगर भूखे भी रह लिए तो फर्क नहीं पड़ता ना। हमने प्रधानमंत्री चुना था ना, हमने कोई विदेश मंत्री नहीं चुने थे जो पूरी दुनिया की सैर सपाटा करोगे। एक तरफ आप कहते हो मैं फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा, ऐसे जाने देंगे? एक तरफ आप हर तरीके से किसी भी चीज़ को आप लाइमलाइट करते हो, जहाँ जाते हो सबसे पहले आपकी फोटोग्राफी होती है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री मैडम और भी आए थे, ऐसा ही नहीं है जब से मोदी जी आए, लेकिन कुछ लोगों ने एक मानसिकता बना ली है, जो मानसंगवादी और मनुवाद सोच के लोग हैं, उन्होंने ये मान लिया कि 2014 के बाद ही देश आज़ाद हुआ है, जब से मोदी जी आए हैं तो मोदी ही देश है। मुझे एक बात याद आ गई, 4 लोग खड़े थे, वो एक बोला कि यार भाई पूरे दुनिया में पूरे देश में अगर कोई मर्द है तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो मैंने उससे कहा भाई एक ही मर्द है तो फिर आपके पिताजी कौन है, आप कौन हो? तो ऐसी मेंटलिटी है मैम, अब ये मेंटलिटी हम खत्म करेंगे, इनका सबका एक ही इलाज, जय भीम नील सलाम। अच्छा चलिए, आपने इस मेंटलिटी की बात की है तो एक और चीज चल रही है, धारणा ये भी चल रही है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, आप शंकराचार्य मना कर ले तो वो फर्जी कहलाए जाएंगे, कोई भी विरोध कर ले तो वो सनातन विरोधी या फिर राम मंदिर विरोधी कहलाए जाएंगे। देखिए मैडम, वही तो मैंने कहा 2 तरीके के हिंदू हो गए हैं देश में, एक भाजपा का हिंदू, एक सेकुलर हिंदू। भाजपा का जो हिंदू है उसे हर चीज मोदी जी में और बीजेपी में दिखती है, उन लोगों की ये सोच है कि बीजेपी ही देश है, मोदी जी ही देश है, जो इनका विरोध करेगा वो देशद्रोही है। तो ऐसा नहीं है मैडम, एक नारा तो ये भी दिया है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम जी कहाँ चले गए थे? राम जी कहीं क्या गुम हो गए थे? राम जी क्या ये देश दुनिया छोड़कर चले गए थे? ये पाखंडी लोग हैं, ये राम को नहीं लाए बल्कि राम जी इनको लेकर आए हैं, ये राम जी का नाम सत्ता में इस्तेमाल कर सरकार में आए हैं। राम जी सत्ता के लोभी नहीं थे, अगर वो सत्ता के लोभी होते तो राजपाट छोड़कर वनवास न चले जाते, ये राम को अपना आदर्श मानते हैं। कम से कम राम जी के 2-4 कदमों पर चलकर दिखाएं, ये लोग राम जी के मानने वाले नहीं हैं, ये लोग सिर्फ सत्ता के लोभी हैं और जनता इन्हें इस बार 2024 में इन्हें दिखा देगी। देखिए एक तरफ तो राम भगवान को लेकर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीति तेज है, सियासत तेज है, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने, दूसरी तरफ जनता भी न्याय के मुद्दे को लेकर अपने अपना संघर्ष सड़कों पर कर रहे हैं। बहरहाल आप लोगों की राय क्या है हमसे साझा कीजिएगा कि राम मंदिर क्या इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है, इतना बड़ा मुद्दा बन गया आज की राजनीति के लिए कि तमाम मुद्दों को दरकिनार कर दिया गया है, या फिर आपकी नज़रों में बाकी मुद्दे भी है? फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।